Everyone, welcome to yet another episode of Khel Tantra. दोस्तों हमारे चैनल पे 39,000 सब्सक्राइबर्स अब हो गए हैं. So a big thank you to each one of you who has been supporting me all throughout the journey. तो दोस्तों without wasting any time, चलिए आज के फुटबॉल न्यूज़ के वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे अपडेट आ रहा है इद्रिसा सिला से, और इद्रिसा सिला अब बेल्जियम सेकंड डिवीजन लीग के क्लब मॉस्क्रोन एफसी के तरफ से फुटबॉल खेलेंगे. जी हाँ, इद्रिसा सिला के फ्यूचर को लेकर बहुत स्पेकुलेशंस बन रहे थे. हाईलैंडर्स के फैन इद्रिसा सिला के फ्यूचर को जानना चाहते हैं, और आखिरकार हमें इद्रिसा सिला से रिलेटेड एक अपडेट मिल ही गया. एंड एज पर लेटेस्ट अपडेट, इद्रिसा सिला अब बेल्जियम के सेकंड डिवीजन लीग के क्लब मॉस्क्रोन एफसी के तरफ से फुटबॉल खेलेंगे. बहुत सारे बेल्जियन मीडिया ने इस न्यूज के बारे में जानने को दिया है, और ऐसा न्यूज निकल के आ रहे हैं कि वो ऑलरेडी बेल्जियम में ही है. इद्रिसा सिला ऑलरेडी बेल्जियम पहुंच चुके हैं, और वो बहुत जल्द वो मॉस्क्रोन एफसी के साथ ट्रेनिंग करेंगे. दोस्तों मैंने ट्विटर पर इद्रिसा सिला से रिलेटेड एक ट्वीट किया है, जहां पर मैंने इस न्यूज का सोर्स के बारे में मेंशन किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके वो ट्वीट चेक कर सकते हैं. अगर आप इद्रिसा सिला की कैरियर के बारे में बात करें, तो 2016-17 सीजन में उन्होंने एंडरलेच के साथ बेल्जियन फर्स्ट डिवीजन लीग जीते थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ वो ज्यादा कामयाब नहीं रह पाए, और इसीलिए आई थिंक उन्होंने अपना में एक शिफ्ट लाने का डिसीजन लिया है, और वो अपकमिंग सीजन में बेल्जियम सेकंड डिवीजन लीग के क्लब मॉस्क्रोन एफसी के तरफ से फुटबॉल खेलेंगे. दोस्तों अब अपडेट आ रहा है नेरोका एफसी से, और नेरोका एफसी ने ओलंपिक मेडल विनर मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. मतलब अपकमिंग समय में मीराबाई चानू नेरोका एफसी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे. दोस्तों आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय नेरोका एफसी, क्योंकि मीराबाई चानू को अब एंटायर नेशन पहचानते हैं. सो इट्स ऑल गुड फॉर मीराबाई चानू, एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑल गुड फॉर इंडियन फुटबॉल एज वेल.